अंकिता हत्याकांड के बाद से पूरे सूबे में आक्रोश का माहौल है। गांधी जयंती के दिन राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रदेशव्यापी बंद का समर्थन किया, जिसके मद्देनजर जनपद पौड़ी के विकासखंड पाबो में डॉक्टर रजनी रावत के आह्वान पर आक्रोश रैली निकाली गई। ये रैली पाबो पुल से होते हुए मुख्य बाजार तक निकाली गई, जिसमें क्षेत्रीय जनता के साथ स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। हत्याकांड के विरोध में लोगों ने आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की भी मांग की, जिससे दूसरे लोग इस तरह के कृत्य से बचें। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। बस यही मांग रखते हैं कि हमारी बेटियों जो इस तरह से घृणित कार्रवाई, जैसे कि पहले भी हमारी महिलाएं बोल रही हैं इस मैटर में कि जिस तरीके से अन्याय हुआ है बेटियों के साथ, ये दोबारा ऐसा ना हो, कोई दूसरी अंकिता यहाँ पे शहीद ना हो, किसी दूसरी अंकिता किसी का घर सुना ना पड़े। और बस इसके लिए हम जो है ठोस कार्रवाई की मांग करते हैं, चाहे वो जो है प्रशासन से लिप्त हो, चाहे शासन से लिप्त हो, जो भी आदमी हो उसको जो है फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। मेरी यही अपील है उत्तराखंड सरकार से कि ये बहुत ही एकदम गंभीर मामला है। हमारी बेटी की आज अस्मत पे आंच आई है, हमारी उत्तराखंड की नारी आज शर्मसार हुई है, ये देवभूमि शर्मसार हुई है। जो SIT का जो गठन हुआ है, इसमें किसी भी तरीके की घपलेबाजी ना की जाए और निष्पक्ष जाँच की जाए। बेटी को, ये उत्तराखंड की बेटी को, ये पहाड़ की बेटी को, इस पौड़ी की बेटी को न्याय दो। और चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो BJP का हो, चाहे UKD का हो, इसको किसी प्रकार न छोड़ा जाए और इससे सख्त कार्रवाई करके इसे तुरंत फांसी दी जाए। बस यही मांग रखते हैं।